तो इधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें बिहार में जो दफादार चौकीदार संघ है उस पद पर सदियों से पासवान समाज के लोगों का हक रहा है। बिहार सरकार ने इस पदों पर जो बहाली निकाली है वो गलत है। इस पर पासवान समाज का सदियों से हमेशा से हक रहा है। यही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और ईमानदारी के साथ उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। बैठक में आप देख रहे हैं हमारे दल के तमाम 3800 जिला से जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, दलित सेना के जिला अध्यक्ष हैं और प्रमुख साथी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। मंच पर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा सम्राट श्री प्रिंस राज जी हैं, पूर्व सांसद श्री चंदन सिंह जी हैं, हमारे विधान पार्षद श्री भूषण राय जी हैं, पूर्व विधायक श्री सुनील पांडे जी हैं, श्री बीरेश्वर सिंह जी हैं और हमारे साथी बहुत से साथी हैं, जैसे जोशन जी हैं जो दिल्ली से आए हैं, रुचिता शर्मा जी हैं जो दिल्ली से आए हैं, महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, श्री प्रदीप कुमार जी जो हमारे अध्यक्ष हैं टेक्निकल सेल के, वो हमारे बीच मौजूद हैं। हर प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष हैं।